तो बात कर लेते हैं अयोध्या की। आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। राम नगरी के भव्य स्वरूप पर लगेगी मुहर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यटन के कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं इस बैठक में। सीएम योगी अयोध्या को देंगे करोड़ों की सौगात। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दीपोत्सव से पहले योगी सरकार आज अयोध्या में कैबिनेट बैठक कर रही है और सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पास होंगे। साथ ही अयोध्या के विकास से जुड़े हजारों करोड़ की योजनाओं से राम नगरी के दिव्य और भव्य स्वरूप पर भी मुहर लगेगी। तो बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेलों को भी प्रांतीय मेलों का दर्जा मिल सकता है। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए योगी आदित्यनाथ कैस बस में है और वहां जो लोग मौजूद हैं, जो आसपास हैं, देखिए उन सब का अभिवादन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैठक जो होगी, कैबिनेट की बैठक होगी, बेहद अहम। दीपोत्सव से पहले हो सकता है अयोध्या को करोड़ों की सौगात मिल सकती है इस बैठक के बाद। तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए आज का दिन वाकई बेहद महत्वपूर्ण, कैबिनेट की बैठक होगी लेकिन यह बैठक अयोध्या में, तो क्या अयोध्या के लिए कह सकते हैं कि इतिहास? बड़ी बात यह है कि दीपोत्सव से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है अयोध्या को। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हो रही है। इससे पहले वाराणसी और प्रयागराज में भी इस तरीके की कैबिनेट बैठक हो चुकी है, लेकिन आज का दिन या यूं कहें कि जो मौका है ये बेहद खास है। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से दीपोत्सव के लिए अयोध्या को सजाया गया है। जरा सा ये तस्वीरें अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जगह जगह दीपोत्सव की तैयारियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और दूसरा ये कि सामने जो राम कथा जो पार्क है, यहाँ पर योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है, पहली कैबिनेट बैठक है। और आप देख रहे हैं जो सामने जो दरवाज़ा आपको, जो फाटक आपको बंद नज़र आ रहा है और आसपास बहुत सारी फोर्स नज़र आ रही होगी आपको। और देखिए कैबिनेट के जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। खास बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर जिस बस को हम तस्वीर में दिखा रहे हैं, इस बस पर सवार होकर के पूरी कैबिनेट भगवान श्री रामचंद्र के दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहाँ दर्शन पूजन करने के बाद फिर यहाँ पर वो दाखिल होंगे पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद यहाँ पर बैठक होगी। ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अयोध्या, बिल्कुल मानस, और ये लाइव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए अयोध्या नगरी पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ और देखिए कुछ ही देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी और तमाम मंत्री भी साथ में मौजूद। और बड़ी बात, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, देखिए अयोध्या में पहली बार कैबिनेट की ये बैठक हो रही है। मानस, कुछ तस्वीरें और भी दिखा दें कि सिक्योरिटी आप देख रहे हैं कि बहुत यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, पुलिस फोर्स यहाँ पर पहले से ही तैनात की गई है, क्योंकि आज पूरी सरकार कह सकते हैं कि अयोध्या में ही रहेगी, लिहाजा उसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। और दूसरी बात यह कि दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। आपको कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीरें जो हैं वो अयोध्या की खूबसूरती को बिल्कुल, और ये तस्वीरें मानस एक सेकंड आपको रोक भी रहे हैं। हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए सबसे पहले यहाँ दर्शन करके पूजा अर्चना करेंगे, सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके बाद अहम बैठक होगी। और देखिए ये तो तय है कि अयोध्या के लिए बड़ी सौगात मिलेगी और सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं मानस हम अपने दर्शकों को। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। मानस, तो सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और देखिए इस मंदिर का बेहद ही महत्व है। और अयोध्या पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ और इस मंदिर में पहुंचे हैं पूजन दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या वासियों के लिए बड़ी सौगात। अयोध्या में दीपोत्सव पहले भी दीपावली को होता रहा है लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद ही महत्वपूर्ण। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कई सौगात अयोध्या को मिल सकती है। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और ये बैठक अयोध्या में होगी, पहली बार ये बैठक कैबिनेट की अयोध्या में हो रही है। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ तमाम पुजारी भी हैं, सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है, योगी कैबिनेट की बैठक। और बड़ी बात यह है कि क्या दीपोत्सव से पहले इस बार अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने वाली है।
वहीं हमारे साथ मानस लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या राम मंदिर का एक भव्य स्वरूप तैयार होगा और इस बैठक कैबिनेट की बैठक के बाद बहुत कुछ पर मुहर भी लग सकती है अयोध्या वासियों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर नियोजित तरीके से विकास किया जा सके इसको लेकर के कई सारे प्रस्ताव आने, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर पहले से ही विकास कार्य चल रहे हैं और उसके बाद कुछ और, चूंकि 22 जनवरी को भगवान रामलीला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी, लिहाजा उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये आज की बैठक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे अहम डिसीजन यहाँ पर लिए जाएंगे। आप सामने देखेंगे तस्वीरों में तो आपको माननीय मंत्रिमंडल की बैठक, आपको ये जगह जगह आपको इस तरह की होल्डिंग्स नज़र आ जाएंगी। सामने आप देखिए रामकथा संग्रहालय आपको नज़र आ रहा है और वहीं पर यह बैठक होनी है और पुलिस फोर्स आपको नज़र आ रही है। खास बात यह, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि अयोध्या के विकास के साथ साथ अयोध्या की को खूबसूरत बनाने को लेकर के भी सरकार लगातार काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये देखिए अधिकारियों का जमावड़ा यहाँ पर आना शुरू हो गया है, चूँकि मुख्यमंत्री आ चुके हैं और पूरी कैबिनेट के साथ सबसे पहले भगवान श्री राम के दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी। वहाँ जाएंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी के में दर्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। और देखिए धर्मनगरी, चाहे वाराणसी की बात करें वहाँ पर एक कैबिनेट बैठक हो चुकी थी, प्रयागराज की बात करें वहाँ बैठक हो चुकी थी, तो ये कहा जा रहा था कि अयोध्या में भी कभी बैठक होगी। और देखिए कितना खूबसूरत समय निर्धारित किया गया कि जब दीपोत्सव का कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है उसी वक्त यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको दिखाएंगे कि पूरे अयोध्या में, चाहे आप हाईवे से आइए या कहीं किसी भी और रास्ते से आइए, भीतर के रास्ते से, आपको इस तरीके के राम दरबार आपको जगह जगह नज़र आएंगे तस्वीरों में। और इस तरीके से सजाया गया है अयोध्या को कि जिससे जो श्रद्धालु और पर्यटक है उनकी संख्या में यहाँ पर लगातार बढ़ोतरी हो रही। हर साल हम लोग आते हैं और हर साल दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए आप, ये भी तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। पूरा जो राम कथा का प्रसंग है, रामचरितमानस, उस पूरे प्रसंग को पूरे अयोध्या में तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कह सकते हैं कि आज की जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, उसमें आज कई सारे बड़े अहम फैसले होंगे और वो खास तौर से अयोध्या के विकास पर ही केंद्रित होगा। ऐसी बैठक होती है और खास तौर पर इस बैठक का एक मंत्र तो जरूर होगा कि पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना। जब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और देखना होगा कि आज की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।